हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 तक प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्रैक्टिस नहीं करी है, नहीं देखा है, तो उसे देख लें और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और काइंडली अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए। पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है और कैसे बनाना है। ठीक है, अचानक से नहीं समझ में आ जाएगा कुछ भी, क्योंकि अगर कहानी का एंड जानना है तो कहानी को पूरा पढ़ना होता है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए फिल्म को पूरा देखना तो होता है ना, उसी तरीके से अगर आपको समझना है कि कैसा कैसे समझ में आएगा, कैसा बताया जा रहा है, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिए। और अगर वीडियो में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगता है तो वो भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, यानी क्या करना है हम लोगों को कि इस रेशियो को इस रेंज में दिखाना है। रेंज इसका इससे ज्यादा ज्यादा दिखाया गया है, हम लोगों को इस रेंज में लाना है। तो सबसे पहले इस रेशियो को यहां लिखिए, गिवन जो होता है उसको लिखिए। गिवन क्या है हमारा? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे? तो साइन है, साइन लिख दीजिए। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लाएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए है क्या, साइन 67 ही होना चाहिए, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 67 आएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अगर नहीं आ रहा है समझ में तुरंत बनाना है तो क्या कीजिए, 90 में से 67 को माइनस कर लीजिए पहले अलग से, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 8 में से, तो यहां से 1 चला गया तो 8 में से 6 गया 23, तो क्या हो गया। अब आप यहां क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यानी 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, साइन 67। इसी चीज को इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, चीज यही है, साइन 67 ही लिखा गया है लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। प्लस इसको लिखेंगे क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस, फिर उसी तरह से आप कर लें, 90 माइनस 75 अलग से अपना कर लें। ठीक है, कितना आएगा भाई, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 15, तो यहां क्या माइनस कर लेंगे हम लोग, 15 डिग्री माइनस कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, तो अपना ये समझ में आ गया क्या माइनस करना है यहाँ पे। उसके लिए आपको यही ट्रिक है कि 90 में से अलग से माइनस इस चीज को जो दिया हुआ है उस नंबर को माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने से क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा जिससे माइनस करके ये आएगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया, अब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोई भी एंगल जो यहां पे दिया रहता है उसका क्या हो जाता है, कॉस 23 होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या, कॉस ए, पढ़ा है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उसे देख लें, तो आपके समझ में फटाक से आ जाएगा। और प्रैक्टिस में कुछ नहीं, अगर आप एक बार ही बैठेंगे बनाने को तो 10 मिनट नहीं लगेगा, आप इस पूरे चैप्टर का बना सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसमें से एक क्वेश्चन मैंने बताया 2018 में आया हुआ भी है, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लें इसका। तो देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना, तो साइन ए, तो जस्ट उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉस 23 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। तो देखिए रेंज हो गया ना, 0 और 45 के बीच में हो गया, 23 और 15 डिग्री हो गया,
तो ये हम लोगों का बन गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 to 45 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो इसे आप लोग छोड़ेंगे नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 8.3 का, आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर से कर लें एग्जामिनेशन से पहले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। बाय, थैंक यू।